सर हम लोग यहाँ पे कोई 30 साल का है, कोई 40 का है, कोई 50 साल का है और कोई 12 साल का भी है। काफ़ी वेल एजुकेटेड भी होंगे यहाँ पे इनमें से। अभी हम लोगों का स्टेज ये माना जाएगा कि हम 2+2 3 में आते हैं। जब हम इंटेलेक्चुअली इतने कैपेबल हो जाएंगे कि 2+2 हम लोग 4 कहना सीख जाएंगे। उसके बाद सर अध्यात्म की बात करते हैं तो 2+2 5 हो सकता है। तो मेरे सर ये छोटा सा सवाल है कि अध्यात्म या तो बहुत मुश्किल है या तो हम लोगों का ब्रेन अभी इस काबिल नहीं है कि हम उसको ग्रैप कर सके, या तो उसको कोई इतना सरल बना के नहीं पेश कर रहा है कि ताकि वो जब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो बाकी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा टफ होगा। नहीं, इनके लिए आसान है। हम लोगों के लिए दो और दो चार से 2 और 2 5 अपने आप होता है। 2 और 2 4 तक तुम्हें जाना पड़ता है क्योंकि 2 और 2 3 तुमने सीखा है। 2 और 2 5 की जो यात्रा है, 4 से 5 की जो यात्रा है तुम्हें नहीं करनी होती, इसीलिए बहुत आसान है। समझना बात को, तुम्हारा काम है 4 तक जाना, 5वां कदम लेने वाला कोई और होता है। और तुम्हारा काम क्यों है 4 तक जाना, क्योंकि तुम हो जिसने अपने आप को 3 तक उलझा के रखा है। जब तुमने उलझाया अपने आप को 3 तक तो 4 तक तो तुम जाओ, 5वें पंख लग जाते हैं, 5वां अनुकंपा होती है, उसे ग्रेस कहते हैं, वो अपने आप होता है, वो 4 तक आने का वरदान होता है। तुम 4 तक जाओ, तुम तथ्यों में जीना सीखो। 2 और 2 4 तथ्य है, वो हकीकत है जिससे रूबरू होना है। तुम अपने तथ्यों में जीना सीखो, सत्य को सम्मुख पाओगे। अब वहां तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन तथ्य तक जाने की तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम हो जिसने डर के मारे, झिझक के मारे और लालच के मारे अपने आप को तथ्यों से वंचित रखा है। आंख होते हुए भी नहीं देखते, कान होते हुए भी नहीं सुनते, हकीकत सामने होते हुए भी पर्दा डालते हो। तो ये पर्दे जो तुमने डालने हैं ये तुम ही उठाओगे। और ये पर्दे बिल्कुल इस बात पर निर्भर नहीं करते कि तुम कितने एजुकेटेड हो कि नहीं हो कि क्या हो, ये बात दूसरी है, ये बात मानसिक है। तुम हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हो सकता हो तुम निरक्षर हो, इसका तुम्हारे जीवन के यथार्थ से बहुत कम संबंध होता है। बहुत पढ़े लिखे लोग बड़े हिंसक हो सकते हैं, बहुत अनपढ़ लोग बड़े प्रेमी हो सकते हैं। पढ़ लिख लेने से मन में निर्मलता नहीं आ जाती। ज्ञान दोनों ओर काट कर सकता है, झूठे ज्ञान को हटा भी सकता है और स्वयं एक बड़ा बोझ बन भी सकता है। हमारी जिस तरह की बेटा शिक्षा व्यवस्था है ना, वो मन को शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं करती। हमारी हालत तो ये है कि हमें सुपर कंप्यूटर भी मिल जाए, उच्चतम उत्पाद तकनीकी का, तो हम उस पर अपनी कुंडलियां ही बना रहे होंगे। सुपर कंप्यूटर पे लड़का लड़की के गुण मिलाए जा रहे होंगे। तो पढ़े लिखे होने से बिल्कुल नहीं साबित हो जाता कि तुम्हारा मन अब तथ्यों में जीने लगा है, डर से बाहर आ गया है, अंधविश्वास से मुक्त हो गया है। कह तो रहा हूं ना, सुपर कंप्यूटर आएगा तो पहले तुम उसकी आरती उतारोगे और नारियल फोड़ोगे। पढ़े लिखे होने से क्या हो जाता है, ऊंचे से ऊंचे मॉडल की गाड़ी तुम्हारे घर आती है जिसके इंजन में कंप्यूटर लगा हुआ हो, तुम क्या करते हो? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? सर
कैसे ठीक बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू देने जा रहा है दही मिश्री खा के अभी पाकिस्तान में पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार है अभी पाकिस्तान में उनका जो विमान गिरा बड़ी दुखद घटना थी 40-50 लोग दिवंगत हुए उसमें उन्होंने उससे सीख लेने की जगह अभी पता है ना क्या करतूत करी है रनवे पर बकरा काटा है अगर गले मिल करके कर्म ट्रांसफर हो सकते हैं तो बकरा काट के एक्सीडेंट क्यों नहीं बचाया जा सकता अनुश्री जी अल्लाह को प्यारी है कुर्बान वहां भी कोई रहे होंगे गुरु पीर फकीर जिन्होंने ऐसी उम्दा सलाह दी होगी अरे गले मिलने से गुड़ का शक्कर थोड़े ही बन जाएगा ये थोड़े ही कहा गया है कुछ नहीं होता पर वो नहीं होता जो आप सोच रही हैं आप सोच रही हैं आप गले मिलेंगी और बगल में मैगी नूडल्स तैयार हो जाएगा अर्थ का अनर्थ आप कह रही हैं गले मिलने से कर्म ट्रांसफर होता है मैं कह रहा हूँ ये नहीं होता तो कह रही है गले मिलने से कुछ नहीं होता मैंने ये क्या कहा कि कुछ नहीं होता गले मिलने से कुछ नहीं होता जो होना होता है वो गले मिलने से पूर्व हो चुका होता है जब मन सही जगह होता है जब मन में प्रेम होता है तब आप स्वतः सहज रूप से गले मिल जाते हैं अगर आप गले मिलने को एक क्रिया की तरह करेंगे कि गले मिलने से कुछ हो जाएगा कि गले मिलने के परिणाम स्वरूप कुछ हो जाएगा तो गले मिलने से घंटा होगा कुछ नहीं होगा एक ब्रश लेकर के चमका के जा रहे हैं गले मिलने जा रहे हैं अब कुछ हो जाएगा कुछ हुआ दिए हुए मारो सफाई करो गले मिलने से कुछ हो जाएगा ना जब कुछ हो गया होता है ना तब आप गले मिलते हो कुणाल भाई से मिलिएगा वो आपको बताएंगे जब कुछ हो जाता है तो आदमी कैसे गले मिलता है अरे बहुत पहुंचे हुए पीर है यहाँ बैठे हुए इनके गुरु हैं आपको मिलने लेके जाएंगे ये अगर छोटा सा नमूना है तो वो फुल ब्लोन एग्जांपल है कल वैसे मैं अनुश्री जी से गले मिला इन पे थोड़ा सा असर आ गया सबसे मिले आप कुणाल भाई के सभी हाँ सर बाबा पीछे ना छूटे रिचुअल है रस्म है क्या गले वले मिलना क्या चल रहा है ये आप मिलते हो अरे जब मन करता है मिल लेते हैं भाई हमें नहीं याद रहा कब मिले थे कब नहीं मिले थे हमें लग रहा है अभी आधे घंटे पहले ही मिले थे याद रखें क्या ये कोई तैयारी की बात है आयोजन है रस्म है रिवाज है ये तो सांस लेने जैसा है चलते चलते मन किया तो मिल लिए गले आगे बढ़ गए इसलिए थोड़ी कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है नहीं क्या ट्रांसफर हो रहा और अभी अनप्लग नहीं कर सकते क्यों अभी ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ है अभी मिले रहो जी डेटा ट्रांसफर रेट जरा कम है बैंडविड्थ स्लो है हिलना नहीं है यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं आते चिप कर रहेगा तो रह गए पर ये है बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब ये जो सारी बातें हैं अभी हम सर्मन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे उसमें 20% पढ़ा गया है क्यों क्योंकि जो ये सारी चीज़ें हैं ये अपने समय पे हो रही थी ये जो बाबा जी ने बताया है जो भी हुआ है सब कुछ समय पे हो रहा था जिससे वो समय पे हो पाया उससे सर्मन ऑफ द माउंट जीसस कबीर सब कुछ साइड में हो चुके हैं तो ये है बहुत स्ट्रॉन्ग ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है
और ये भी है कि ये ऐसे लोग बहुत पुराने लगते हैं कि हाँ ब्रॉडबैंड के जमाने में जी रहे हैं, इन्हें वाईफाई का कंसेप्ट नहीं पता है, क्या पता दूर से ट्रांसफर हो जाए। असल में हम साइंस के उत्पादों का इस्तेमाल तो करते हैं, पर फंडामेंटल नॉलेज ऑफ साइंस जो है वो है थोड़ी हमें, सिर्फ इसलिए कि आप गाड़ी चलाना जानते हो, आप इंजन को समझते थोड़ी हो। कोई आपसे अभी पूछे कि एडियाबेटिक साइकिल क्या होता है तो आप बता दोगे क्या? पर आप अच्छे से जानते हो, आप ड्राइवर हो, आप बखूबी जानते हो कि क्लच दबा दे तो ऐसे चलेगी, इंडिकेटर ऐसे दे देना है। आज के ज़माने की विडंबना ये है, विज्ञान के उत्पाद हमें मिले हुए हैं, हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान का हमें कुछ पता नहीं है। साइंस वर्सेस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मिली हुई है, उसमें तो बटन दबाना है, बटन दबा दो बल्ब जल जाएगा, इससे तुमको जान थोड़े ही गए, इससे तुम में साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़े ही आ गया। अच्छा समय यही है कि अगर आप मोबाइल के सारे मॉडल्स के बारे में जानते तो अपने को साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले मानते हो अपने आप को। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट का इससे क्या लेना देना है कि आपको रटा हुआ है कि बाजार में कौन कौन से मोबाइल हैं, उनका क्या प्रोसेसर और क्या मेमोरी है, पर आप सोचते हैं मुझे ये सब कुछ पता है तो मैं रिसर्चर हो गया। साइंटिफिक टेम्परामेंट कोई दूसरी बात है, उसका हो सकता है कि उसमें आपको मॉडल्स के बारे में कुछ ना पता हो, ये तो रुचि की बात है, आपका मोबाइल फ़ोन्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं पता कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, साइंटिफिक टेम्परामेंट दूसरी बात है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है कि जो भी कुछ भौतिक है, जो भी कुछ उपलब्ध है जानने समझने के लिए, मैं उसे जानूंगा समझूंगा, डरूंगा नहीं, ज़बरदस्ती सर नहीं झुका दूंगा, पूछूंगा, प्रयोग करूंगा, करीब आऊंगा, कभी जोड़ के देखूंगा, कभी तोड़ के देखूंगा, और जब तक प्रमाण नहीं मिल जाते, साक्ष्य गवाही नहीं दे देते, तब तक हाँ नहीं कर दूंगा। यह है साइंटिफिक टेम्परामेंट। We don't challenge to the things what we listen to. Yes, of course. Accept it as just accept it, and that is not scientific at all. You must learn to challenge. You must learn to question. And the power to question comes from that which is beyond questioning. So you can safely make no exceptions at all. Just question everything. In questioning everything, you are showing that you have the blessings of the unquestionable. So go about questioning everything with resolution and ferocity. Making no exceptions at all. Keep nobody outside the purview of your inquiry. If it exists, even if it exists in my thoughts and imaginations, I am going to ask, explore, question, experiment, doubt, clarify, and let nobody say that the matter is not open to discussion or inquiry or exploration. I will ask. जैसे कुछ सोसाइटी है जिसमें पूरा अंधविश्वास है, जैसे साइंटिफिक बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसी भी हैं जो पूरी भौतिकी पे चलती हैं, जैसे चाइना हुआ, मतलब मोस्टली, बट वहाँ भी मतलब जैसे अगर पूरा ही फिजिकल है तो एक दूसरा एंगल आ जाता है कि फिर पूरा ही मशीनी टाइप का सब कुछ हो जाता है, तो आप बोले वो ग्रेस होता है कि मतलब इससे उसमें जाने का। हमने दो तरह की गलतियों की बात करी थी ना, पहली गलती होती है वहाँ सर झुका देना जहाँ नहीं झुकाना चाहिए, और दूसरी क्या होती है वहां भी ना झुकाना जहां झुकाना चाहिए, वो जगह सिर्फ एक होती है, दूसरी वाली गलती भी नहीं करनी है। पर मैं दूसरी गलती की बात कम करना चाहता हूं, क्योंकि हम तो पहले ही करे बैठे हैं, जिसने अपना सर हजारों ऐसी जगहों पे झुका दिया हो जहां कभी नहीं झुकाना चाहिए, उसको मैं ये क्या शिक्षा दूं कि तू परमात्मा के सामने सर झुका? उस मूर्ख का सर तो हजारों दूसरे जगहों पर झुका हुआ है, अब वो परमात्मा के सामने क्या झुकाएगा? परमात्मा के सामने सर झुकाने की हैसियत तो सिर्फ उसकी होती है जिसका सर अन्यथा कहीं ना झुका हो, जिस कमजोर का,
जिस लाचार का, जिस कमदिल का सर जगह जगह झुक जाता हो, उसमें अब वो पात्रता ही नहीं रह गई कि वो मंदिर में सर झुकाए। तू तो अपने सर को हर जगह बेच आया है, अब क्या झुकाएगा परमेश्वर के आगे? तेरा ये सर तो हर तरह के अंधविश्वास के सामने झुक गया, हर तरह की रूढ़ी और मान्यता के सामने झुक गया, समाज के सामने झुक गया, प्रलोभन के सामने झुक गया। अब इस सर की हैसियत नहीं रही कि परमात्मा के सामने झुके, तो हट तू, तुझे तो मंदिर में प्रवेश का भी अब अधिकार नहीं। पहले बाकी जगहों पर रीढ़ सीधी रखना सीखो, कुतर्क के सामने सर मत झुकाओ, दबाव के आगे, जोर के आगे, संस्था के आगे, अधिकारियों के आगे, अथॉरिटी के आगे सर मत झुकाओ। तब तुम्हारा सर झुकेगा सिर्फ एक जगह पर, और वो जगह सही जगह होगी। सर झुकाने का क्या मतलब हुआ? सर झुकाने का मतलब हुआ कि मैं इतना बड़ा नहीं कि तुझे जान पाऊं, मैं इतना बड़ा नहीं कि तू मेरे छोटे से भेजे में समा सके। उतना बड़ा सिर्फ परमात्मा है, बाकी सब कुछ तुम्हारे भेजे में समाएगा। सवाल करना, रुकना नहीं, झुकना नहीं, पूछना, सब समझ जाओगे।